तो फिर से ना आप लोग उसी सीरीज को जो जेई ट्रिकी क्वेश्चंस को बना रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, ये जिंदगी के हर लाइफ में आप यूज करते हैं और इसमें हर क्वेश्चंस ना जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप ना इसको बहुत आसानी से यहाँ पर क्या हुआ सॉल्व करना क्या हुआ बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं जो ट्रिकी की क्वेश्चन है अपने को वो मोशन इन वन डायमेंशन है ना, अपने को एक दिशा में कैसे मोशन होगा उसके बारे में अपने लोग क्या हुआ देखने जा रहे हैं। तो अपने हाँ तो ये अपने को टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये मोशन इन वन डायमेंशन है क्या। तो क्या होता है कि जो मोशंस होते हैं बहुत अपने को प्रकार के होते हैं, एक ही डायरेक्शन हो गया ना। तो एक एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरे एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक तीसरी एक्सिस क्या होता है जेड एक्सिस ना। तो किसी भी अपने लोग को ना स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या तीन एक्सिस का जरूरत पड़ता है। एक्स एक्सिस एक्स के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस क्या हुआ वाई के डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस क्या हुआ अपने को जेड डायरेक्शन में। तो कोई भी चीज स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए तीन एक्सिस का जरूरत होता है। तो यदि ना हमारी मोशन किसी एक ही एक्सिस में है ना, किस टाइप का ट्रेन है रेल है, यदि मान लें कि सीधी है ना ऐसा ट्रेन, तो इसका मोशन हमेशा क्या होगा एक ही डायरेक्शन में होगा है ना। तो जब मोशन एक ही डायरेक्शन में जब ऐसा होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो याद रखिएगा किसी एक ही एक्सिस में इसको ये कर लेता है। तो इसमें ना कुछ अपने को ना फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी या v जीरो इनिशियल स्पीड है और प्लस क्या है ए टी है, और ये जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं x माइनस x जीरो यदि इनिशियल कुछ डिस्टेंस दी है तो x जीरो बोलता है, इक्वल टू v जीरो t प्लस हाफ ए टी इज स्क्वायर, और यहाँ पर जो हो रहा है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू v u जीरो और 2 माइनस x माइनस x जीरो। तो यदि ना ये जो फार्मूला क्या है जनरल फार्मूला है, यदि अपने को इनिशियल डिस्टेंस मतलब जो हाँ की प्रारंभिक जो दूरी है यदि ये जीरो दिया हुआ है दोस्तों है ना, यदि ये क्या है अपने को रेस्ट से कर रहा है तो ये क्या है जीरो कर जाएगा, और यदि अपने लोग का जो मोशन है अपने को ओरिजिन से स्टार्ट होगा मतलब एक्स बराबर जीरो देगा तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और भी स्क्वायर बराबर भी जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स हो जाएगा। लेकिन ना यदि कुछ डिस्टेंस पहले से दिया रहेगा मतलब कार है कुछ डिस्टेंस पहले से कवर की हुई है तो उस वैल्यू को ना यहाँ पर x0 से अपने को बदलना पड़ेगा। तो ये जो होगा जनरल इक्वेशन है, इससे हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ना कुछ हल्की से और इसको ना समझते हैं एनिमेशन के द्वारा वन डायमेंशनल मोशन क्या है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये रेस्ट एंड मोशन को ना ये वीडियो के अंदर हम लोग ना दिखा रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन है। तो सबसे पहले एक बॉल है, ये क्या अभी रेस्ट में है ना, ये अपने को एक अब यहाँ पर एक्सिस है और ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं रेस्ट ना। जब मैं इस पर कोई फोर्स को लगाऊंगा तो फिर ये अपने को कोई अपने स्ट्रेट लाइन है, ये चूंकि ना वन डायमेंशनल मोशन है उसलिए क्या है ये अपने को वन डायमेंशनल मोशन को यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक कार है और एक क्या है बॉल है, दोनों अभी क्या है रेस्ट में है ना। अब क्या है एक हमेशा ऑब्जर्वर होता है ना विथ रेस्पेक्ट टू मतलब किसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हुआ है अपने को ना यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होकर के और इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं अपने को जो व्यक्ति इसको देख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ना ये कार क्या है खड़ी है और ये बॉल भी क्या है रेस्ट में। तो अभी क्या हुआ तीनों रेस्ट में है ना, अपने को बॉल भी रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में है, और ये जो पर्सन है जो अपने को इसको देख रहा है तीनों लोग क्या है रेस्ट में है, ठीक है तीनों लोग अभी क्या है रेस्ट में। तो क्या है बॉल है ना इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन ना, आदमी जो खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में क्या है बॉल भी है और कार भी क्या है अपने को रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू क्या हुआ मैन के ना, तो इस मैन के रेस्पेक्ट में दोनों क्या है अभी रुके हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ये जैसे हम लोग ना कोई हिट करते हैं तो ये क्या हुआ बॉल इज मूविंग ना, ये बॉल क्या हुआ धीरे धीरे ऐसा मूव किया और क्या एक दिशा में गया उसलिए क्या हुआ ये वन डायमेंशनल मोशन था, ठीक है। उसी तरह से फिर कार को हम लोग ये करते हैं तो कार भी क्या है मोशन में आ गया और ये क्या एक ही डायरेक्शन में गया, तो इस टाइप के मोशन को ना जब हम लोग ना प्रॉब्लम को बनाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशनल ना, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर ना बढ़ते हैं यहाँ से।
तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इसका इसका हम लोग ना दो तरह का न्यूमेरिकल बनाने में जनरली ज्यादा यूज करते हैं। एक क्या हो गया, वन डायरेक्शन में है या कोई भी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से क्या नीचे आ रही है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलता है। तो इस केस में भी हमेशा क्या वन डायमेंशनल मोशन आ जाता है। तो इसमें हमारे को क्वेश्चन बनाने में क्या करना है, ए की वैल्यू को हमेशा जी लेना है, और इस वैल्यू को हम लोग कितना लेते हैं 9.81 ऐसा लेते हैं, और x बराबर h रख लेते हैं, क्या कि हाइट हाइट कर जाता है हम लोग, क्या होता है ऐसा सिंपल वाले में x बोलते हैं, और जब ये ऊंचाई होता है तो उसके अपने को जगह में ये h का यूज करते हैं, है ना। और उसमें क्या होगा, जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वो अपने को ऐसा चेंज होगा, तो v बराबर v जीरो और ए टी था वहां पर क्या कर लेते हैं जी टी का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है एस बराबर यू टी प्लस वन बाई ए टू, तो एच क्या हो गया यहाँ पर हाइट हो जाता है, तो एच बराबर वी जीरो टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा कर लेंगे, और यहाँ पर ना वी स्क्वायर बराबर वी जीरो का स्क्वायर प्लस टू जी एच ना, तो ये यूज कर लेंगे। तो ये हम लोग ना यहाँ से प्रॉब्लम को ना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ना अपने को क्या हो रहा है, एक हमेशा क्या ग्राफ करना क्वेश्चंस ना जेई में हमेशा पूछ रहा है। तो ये 10 जनवरी इवनिंग में 2019 के ना सेशन में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या है, एक अपने को ग्राफ है, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ना, ये ओरिजिन बोलने से जीरो से स्टार्ट होता, यदि मान ले कहीं यहाँ से ना स्टार्ट हुआ रहता तो ये अपने को पॉइंट पॉइंट बन जाता, ओरिजिन ना बन के 2 मीटर है ना, या अपने को कहीं और से ना स्टार्ट करता। तो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी बराबर जीरो, तो ये क्या है एक्स एक्सिस में टाइम दे रहा है, और वाई अपने को वाई एक्सिस में क्या हम लोग ना वेलोसिटी को रखे हुए हैं, मूव अलोंग द पार्टिकल है ना पोजिशन इन एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर ना, इसको अपने को ना इसमें दिखाया हुआ है ना चित्र में। तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5 सेकेंड, तो क्या हुआ 5 सेकेंड में ये कितनी दूरी को अपने को ना चलेगा। तो ऐसा अपने को ना करने के लिए सबसे पहले तो ये अपने को क्या होगा ध्यान रखना होगा कि ऐसा ग्राफ है यहाँ से ऐसा ना, तो जब भी हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे ना तो दोनों एक्सिस पर क्या दिया हुआ है इसको हमेशा ध्यान से देखना है, आप डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते है ना, क्या है कि अलग अलग ग्राफ क्या हुआ डिफरेंट टाइप के वैल्यू देते हैं। तो हमेशा जब भी आप ना ग्राफिकल क्वेश्चंस को बनाओगे तो सबसे पहले आपको ना ग्राफ के ना टाइप्स को देखना होगा कि एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है। तो यहाँ एक्स एक्सिस में क्या दे रहा है टाइम हमारे को दे रहा है टाइम, और क्या है टी दे रहा है ना, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस में अपने लोग को क्या हुआ टाइम टी दे रहा है, और वाई एक्सिस में क्या दे रहा है वेलोसिटी भी दे रहा है ना यहाँ से। तो याद रखना कि एस बराबर क्या होता है भी इंटू टी हो जाता है ना, भी इंटू टी है ना ऐसा, क्योंकि अपने लोग क्या बोलते थे ऐसा भी बराबर जितना डिस्टेंस चला एस डिवाइडेड बाई टी है ना, भी बराबर क्या है एस बाई टी। तो हमारे को s जब भी ना निकालना होगा ना तो ये क्या हुआ s बराबर क्या हो गया अपने को vt ऐसा हो गया है ना। तो अपने को इसमें ना दूरी निकालने के लिए बोल रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अपने को क्या होगा कि v इंटू टी को ना अपने को ये गुना करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा v इंटू टी को, और v इंटू टी को जब ना मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ये ग्राफ के बीच का एरिया आ जाएगा ना। तो अपने को ना ये यहाँ पर दे रहा है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड क्या है ये, तो ये 5 सेकेंड पर अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है ये आ गया है ना 5 सेकेंड पे यहाँ पे। तो अपने को ये एरिया को ना यहाँ से इतने एरिया को यहाँ से फाइंड आउट करना होगा, और ये जब एरिया को अपने लोग ना निकाल लेंगे तो ये जो एरिया का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा इसका आंसर होगा है ना। तो मैं इसको बना रहा हूँ, और भी कुछ हम लोग दूसरे टाइप का ग्राफ वाले क्वेश्चन को और देखेंगे कि यदि यहाँ पर ना एक्सीलरेशन दिया रहता है ना त्वरण, और इस पर क्या टाइम देता तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता, तो उस केस में चेंज अपने को जो ये होता है वेलोसिटी में क्या चेंज होगा उसको निकालने में ये काम आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से ना पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ना अपने को दूसरे क्वेश्चंस को इस पर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तो अपने को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी है ना विथ रेस्पेक्ट गिवन फिगर व्हाट इज। तो याद रखेंगे कि जब भी ना भी और टी के बीच में ग्राफ होगा है ना, भी में और टी में ग्राफ होगा उसके बीच का जो भी ऐसा एरिया आएगा ना, ये एरिया जो आता है तो ये हमेशा क्या होगा एरिया बराबर क्या होगा भी इंटू टी, और ये हमेशा क्या एस के बराबर हो जाएगा है ना। तो जब भी ना अपने को डिस्टेंस को निकालना होगा
तो हमारे को क्या हो रहा, ये ग्राफ के एरिया को निकालना हो। तो आइए इस एरिया को ना आप लोग ना फाइंड आउट करते हैं। ये एरिया को अपने यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कैसे हम लोग ना एरिया को ना निकालेंगे, तो मैं इसको दो भागों में ना बांट रहा हूँ। एक भाग क्या हुआ, ये ऐसा ट्रायंगल भाग है, है ना, ये क्या है ट्रायंगल, एक भाग हो गया ये ट्रायंगल भाग, और दूसरा भाग क्या है अपने को चतुर्भुज है, रेक्टेंगुलर भाग है। तो मैं दोनों एरिया को ऐसा करके ये कर ले रहा हूँ। तो पहले इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो ऐसा लिखना होगा एरिया इक्वल टू, तो ये जो छोटा ट्रायंगल एरिया है उसको मैं क्या लिखता हूँ, ए वन लिख रहा हूँ, और ये जो एरिया है उसको अपने लोग क्या लिख रहे हैं, ए टू मैं लिख रहा हूँ। तो दो एरिया है, जो ट्रेंगुलर एरिया है उसको मैं ए वन लिख रहा हूँ, और जो अपने को ना रेक्टेंगुलर एरिया है ना, अपने को ये जो चतुर्भुज बना हुआ है, जो चतुर्भुज का एरिया है उसको अपने क्या हुआ, ए टू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने को एरिया हो गया ए वन प्लस ए टू, ऐसा आ जाएगा ये एरिया ए वन इंटू ए टू। तो हम लोग ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ है इंटू बेस, तो ये बेस कितना है आपका, दो है, यहाँ से यहाँ का दूरी है, तो ये वन है ये टू है, तो ये टाइम हो गया, ये बेस क्या है दो है, और ये हाइट को अपने को निकालना है, तो हाइट क्या है टू हो गया ना, तो हाइट क्या है टू हो गया। तो ये क्या है ए वन का वैल्यू हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है दो है और हाइट क्या है दो है, और प्लस अपने को ए टू को यहाँ से फिर से मैं ए टू को निकाल रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाता है आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है एक दो तीन ना, क्यों फाइव माइनस टू करेंगे तो थ्री, वन यहाँ आ गया टू यहाँ थ्री, तो ये दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं अपने को बेस ना, तो बेस हो रहा है पांच में से दो चला गया तो क्या तीन ना, आप ऐसे मैं सीधे लिख रहा हूँ, या आप यहाँ से लिख सकते हो फाइव माइनस टू, तो ये क्या बेस क्या हो थ्री हो गया, और हाइट कितना हो गया वन और वन टू हो गया, तो ये अपने लोगों को ऐसा आ गया। तो मैं इस एरिया को ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये दो से दो क्या कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये टू और प्लस सिक्स, तो कितना हो गया यहाँ से सिक्स तीन दो छः और दो आठ, ये आठ है नहीं नौ, नौ यहाँ एरिया ना यहाँ नौ आता है, गलत कहाँ कर जा रहे हैं, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बेस हो गया दो और ये हो गया एक दो है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ना पल एरिया छूट गया, ठीक है। तो ये ना यहाँ पर एक एरिया ना छूट गया है, ये जो ये एरिया निकलेगा यहाँ से और ये एक एरिया और यहाँ आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा ये वन ऐसा आ जाएगा, है ना, कहीं पाँच सेकेंड बोल रहा है ये एरिया क्या हुआ यहाँ पर मिसिंग हो गया था सॉरी हाँ। तो इसे ना अपने को छः और प्लस क्या हुआ एक आ गया, है ना, तो क्या छः और दो आठ और एक क्या नौ ना, तो इसका जो आ जाएगा नाइन मीटर आ जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस अपने को चलेगा, है ना। तो मैं ना जो एरिया लिया था ना गलती से ये मैं ध्यान दे नहीं पाया, मैं सोचा कि ऐसा जा रहा है ना, थोड़ा उतना क्लियर पिक्चर नहीं हो पाई थी, तो ये क्या है ऐसा जाके ये जाके ये उसका ग्राफ है, मेरे को ऐसा ग्राफ दिख गया था, तो ये जो एरिया आएगा ना ये वन यहाँ से मिसिंग हो गया था, तो ये क्या हुआ ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया टू आया, और इसका ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है छः आया, और एक एरिया ये वन छूट गया था हमारे से ना, तो ये क्या हुआ यहाँ वन आ गया, तो क्या हुआ तीनों के जोड़ने से क्या नौ मीटर, तो जो आंसर आएगा ना ये क्या होगा यहाँ पर नौ मीटर होगा, है ना। तो ये ना अपने को ग्राफ का क्या क्वेश्चन था, तो ग्राफ के क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं और हम लोग आगे चल के और भी बनाएंगे क्वेश्चन को। तो अगला फिर से ना ग्राफ ही का ना क्वेश्चन है, यहाँ से फिर से क्या है ग्राफ के ही क्वेश्चन है, तो सेकेंड है ये क्वेश्चन अपने लोग ना ग्राफ को ना यहाँ से दिखला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फिर से ना एक ग्राफ का ही क्वेश्चन है, तो ये क्या हो रहा इस पर ना अपने को ये अलग अलग ग्राफ दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है त्वरण है एक्सेलरेशन है और यहाँ पर क्या है टाइम है, और इस पर क्या है यहाँ पर अपने को वेलोसिटी है और यहाँ पर क्या टाइम है, वेलोसिटी एंड टाइम है सेकेंड में, थर्ड में क्या है डिस्टेंस एंड टाइम है, है ना थर्ड, और फोर्थ में क्या है फिर से डिस्टेंस एंड टाइम है। अब ये ग्राफ क्या चीज का है ना, ऊपर में ऐसा करके ये ना दिखा रहा है, तो ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ना, तो कोई अपने को जीरो से ना ऐसा करके ये मैं ना एक फिगर को ऐसा भी ना दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये हो गया अपना ओरिजिन क्या हो गया ये जीरो ओरिजिन है ना,
ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ है ना, यहाँ से ना स्टार्ट करता है हर फ्रॉम रेस्ट ना, तो यहाँ पर क्या था रेस्ट था, तो रेस्ट को हम लोग कैसा दिखाते हैं यू इक्वल टू क्या लिखाते हैं जीरो ना, तो क्या है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आइडेंटिफाई ऑल फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, अपने को क्वालिटेटिव ना, ए क्या है एक्सेलरेशन है, बी क्या है वेलोसिटी है, और ये क्या है एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है टाइम है ना, तो रेस्ट से ना अपने को ना स्टार्ट कर रहा है अपने को मूव है ना अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए क्या वैल्यू क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो ए है इसमें दिया हुआ है, ए बराबर कुछ दिया हुआ है ना मालूम नहीं है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है हमेशा के अपने को एक्स डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं है ना, तो अब ये ना अपने को रेस्ट में होगा और ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर स्पीड क्या होगा जीरो है, कुछ देर बाद क्या होगा इसकी ना स्पीड को कहीं आगे जाके हमारे को निकालना होगा टाइम टी पर, तो क्या हो जाता है स्पीड इक्वल टू वी बराबर यू प्लस ए टी, और यू क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तो ये होने से जीरो क्या है वी बराबर क्या होगा ए इंटू टी, ऐसा ऐसा आ जाएगा है ना, तो आइए अपने इस ग्राफ में देखते हैं कि इस मोशन को देखने के लिए कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत है, तो इसमें कौन कौन सा ग्राफ सही है इसको अपने लोगों को क्या करना फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ना मैं चेक कर रहा हूं कि ये ग्राफ क्या सही है क्या, तो क्या हो गया कोई भी अपने को ना जब ऑब्जेक्ट क्या है मूव कर रहा है और उस पर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका ग्राफ क्या होगा यहां पर आ जाता है, यदि ना एक्सेलरेशन निगेटिव है ना, निगेटिव का मतलब क्या मैं ब्रेक लगा रहा हूं या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब अपने को त्वरण मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव ना, तो इस केस में कि मैं क्या हो गया निगेटिव वाले में हम लोग ना ग्राफ को ना कैसे यहाँ पर ना दिखाते हैं ये हो जाता है माइनस ए हो जाता है, और जब प्लस आता है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ऐसा दिखाते हैं, तो हमारे केस में क्या है एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव दिया हुआ है, उसने क्या हुआ कि जब भी ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और ये एक्सेलरेशन हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए क्या होगा ये हमेशा सीधी लाइन यहाँ आएगी, तो ये ग्राफ क्या है एकदम सही है, क्यों क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन क्या होता है बदलता नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और चूंकि ये अपने को दिया हुआ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसलिए ये ग्राफ क्या संभव है, उसलिए ये क्या है एकदम करेक्ट है पहला। अब दूसरा है क्या वी और टी में कैसा ग्राफ अपने को आएगा, तो जब भी ना कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या ऐसा बढ़ते चला जाता है स्ट्रेट लाइन में ना, यदि ना डी एक्सेलरेट करता तो उसका वेलोसिटी क्या ऐसा आता है, तो याद रखिएगा जब भी ना त्वरण होगा तो अपने लोग को क्या होगा एक्सेलरेट करेगा तो क्या हो ऐसा अप जाएगा, और जब डी एक्सेलरेट करेगा तो क्या डाउन आएगा, तो यहाँ पर क्या है एक्सेलरेट कर रहा है उसने, ये भी ग्राफ सही है ना, अपने को जीरो से ये क्या दिखा रहा है जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो लिख भी रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ना स्टार्ट हुआ है और उसकी वेलोसिटी क्या है धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जा रही है, तो ये अपने को ऐसा कर, तो ये ना दोनों ही ना अपने को ग्राफ सही है, तो बी भी क्या है सही हो गया, बी बी ग्राफ क्या हुआ ये अपने को ये सही है दूसरी ग्राफ बी सही है, अब इसको देखना सी क्या पॉसिबल है क्या, तो क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है, तो ना डिस्टेंस क्या हो रहा है ऐसा बढ़ के और फिर ऐसा रुक जा रहा है, और इसमें क्या दिखा रहा है ये भी दोनों ग्राफ है सी और टी में, तो इसमें से दो में से कोई ना कोई एक गलत होगा, क्योंकि कोई भी एक मोशन होगा तो हमेशा क्या एक ही ग्राफ आएगा, एक मोशन का दो ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसमें आइदर ये सही होगा या अपने को क्या होगा सेकेंड वाला सही होगा, तो अब देखते हैं क्या होगा, तो ये कब होगा ये अपने को स्पीड क्या हुआ थोड़ा सा बढ़ करके और रेस्ट में आ गया ना, क्योंकि ये क्या डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है रेस्ट है, ये हमेशा क्या बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ क्या है डिस्टेंस क्या धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जा रहा है, ऐसे ये ऊंचा ज्यादा जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या है गलत कर जाएगा, तो सी क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, ये ग्राफ क्या हो आपका गलत हो गया, और ये जो ग्राफ हो गया ना ये क्या होगा सही हो है, क्योंकि ये ग्राफ क्या है अपने को डिस्टेंस क्या हो जैसे टाइम बदल रहा है आपका डिस्टेंस क्या होगा धीरे धीरे ऐसा चेंज होगा कि बढ़ते जा रहा है, तो ये जो ना ग्राफ होगा ये अपने को सही होगा, तो अब आइए हम लोग इस मैं ये सबसे पहले चेक कर लिए कौन कौन सा ग्राफ सही है कौन कौन सा ग्राफ गलत है, तो अपने पास क्या हो रहा है ये ए सही है ग्राफ बी सही है और ग्राफ डी सही है ना और डी गलत है, तो अब देखना है इसमें ऑप्शन क्या है, तो कौन कौन सा सही है, तो बी एंड सी नहीं सी सही नहीं है ए ये सही है ए बी सी ये भी नहीं है
ए बी डी क्या है, यस करेक्ट है, ए बी और डी करेक्ट है ना। तो ये क्या हुआ, ग्राफ 4 जो है ये करेक्ट है, उसलिए अपने लोगों का क्या होगा, ये आंसर अपने लोगों का करेक्ट होगा। तो देखिए कितना साधारण से है सर क्वेश्चन था, बस अपने को ग्राफ को ना देखना था कि इस मोशन को कौन सा ग्राफ कैसे इंडिकेट करेगा और इस ग्राफ में से कौन सा सही है ना। तो हमेशा आप देखिएगा कि मोशंस में ना ऐसे बहुत सारे ग्राफ यहाँ पूछे जाते हैं और इसके अपने लोग ना ये कर लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसा दिखा रहा है यहाँ से, तो इसको अपने लोग ना सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, ये अपने को 12 अप्रैल 2019 में है, 2019 का ही ये भी क्वेश्चन है ना, 2019 का है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ना वी बराबर क्या बी अंडर रूट एक्स दिया है, एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर टी पर उसका स्पीड कितना होगा, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट टी, टी इक्वल टू क्या होगा जीरो है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो हमारे को क्या निकालना है, स्पीड को ना यहाँ से ना निकालना है। तो इसको ना निकालने के लिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला दिया है, वी इक्वल टू बी और ये क्या है अंडर रूट और ये है एक्स दे रहा है ना, ये क्या है इक्वेशन है ना, जैसे जैसे एक्स दे रहे हैं तो ये होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम नहीं दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस है। तो हमारे जो इक्वेशन दे रहा है ये अपने को क्या डिस्टेंस के अनुसार मतलब दूरी के अनुसार वेलोसिटी कैसे बदल रहा है ये दिया रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टाइम के अनुसार पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन को ना आपको ना क्या करना है, बदल करके और जो एक्स है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ले आना है ना। तो ये इसको हम कैसे ना इसको चेंज करते हैं, जो हमारा दूरी है उसको बदल करके हमको क्या करना है टाइम के रिस्पेक्ट में ले आना है। तो इसको हम लोग ना चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं अपने को भी जो होता है ये क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है ना, वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू क्या हो गया बी और ये हो गया अंडर रूट एक्स, ऐसा ऐसा चला आया। अब ना अपने लोग को ना क्या यहाँ पर करना है, ये यहाँ से तो हमारे को टी के ना रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन ये होगा अंडर रूट एक्स है ना इक्वल टू बी और ये हो गया क्या डी टी है ना, ऐसा यहाँ से। और अपने लोग का ना पॉजिटिव एक्सिस है ना, एज्यूम द पार्टिकल इज ओरिजिन एट टी टी बराबर जीरो। अब इसको ना क्या करना, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड ना, दोनों साइड से हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड ऐसा कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा ऐसा इंटीग्रेशन, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और ये जीरो से मान लें कि एक्स ही एक्स दूरी है या एक्स एक्स दूरी है, एक्स दूरी में ऐसा आ गया और इक्वल टू और फिर लोग यहाँ पर क्या कहें बी और ये जीरो से टी में क्या हो गया डी टी ऐसा आ गया। तो इसको ना अपने लोग ना इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, इसका सूत्र होता था यहाँ से माइनस, इसको मैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ आसानी से, एक्स माइनस वन बाई टू और इसको क्या लिखा डी एक्स है ना, ये अंडर रूट को वन बाई टू और ऊपर आ गया उसमें माइनस वन बाई टू, जीरो से क्या हुआ एक्स हो गया इक्वल टू बी और इसको ना अपने लोग चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते तो टी हो गया और जीरो से टी ऐसा आ गया। तो ये इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, जीरो से एक्स तो इसमें क्या हुआ एक्स टू पावर एन को हम लोग जानते हैं इंटीग्रेट करने पर क्या होता था ये इक्वल टू तो एक्स एन प्लस वन और डिवाइडेड में क्या एन प्लस वन है ना, ये तो ये सूत्र करना आप लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स माइनस वन बाई टू और प्लस वन और डिवाइडेड बाई है ना एन प्लस वन तो माइनस वन बाई टू और इंटू वन और इक्वल टू इधर जो आ जा रहा है बी इंटू टी ऐसा आ जा रहा है ना। तो इसको और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स का हाफ ऐसा आ जा रहा है और नीचे में अपने लोगों को क्या हो गया यहाँ प्लस है तो ये भी हो गया क्या हाफ आ गया है ना, और इसका जो लिमिट हो गया ये जीरो से एक्स और इक्वल टू बी इंटू टी ऐसा आग चलाया है, बस एक लाइन का और है मात्र। तो ये अपने लोग का ना क्या हुआ यहाँ तक हम लोग ना पहुँच गए हैं। अब मैं ना इसको ना सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको ना सॉल्व करूँगा तो ये ऐसा आ जा रहा है टू अंडर रूट एक्स ना, कैसे
ये 1/2 है, तो ये जब भी डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 2√x, और इसका जो लिमिट था ये क्या, 0 से x था यहाँ से, और प्लस ये क्या होगा, b(t) है। तो अब ना यहाँ से ना मैं ना 0 बैठाऊंगा तो ये क्या 0, और x बैठाऊंगा तो x हो गया, तो इसका जो लिमिट आ रहा है 2√x, और ये आ जा रहा है अपने लोगों का b है ना इक्वल टू b और इंटू क्या हो गया t हो गया है ना। तो मैं ना इसमें x की ना वैल्यू को ना निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द आप को पार्टिकल एट t बराबर t है ना। तो इसको मैं ना इस स्क्वायर कर ले रहा हूँ बोथ साइड ना, तो क्या कैसे करूंगा, स्क्वायर एस क्यू यू ए आर स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड ऐसा मैं ना स्क्वायर कर लिया, तो क्या हो गया ये 4x, और इधर हो गया क्या b स्क्वायर, और ये हो गया क्या t स्क्वायर, तो x बराबर आ गया b स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया t स्क्वायर है ना। तो ये डिस्टेंस और टाइम को ना रिलेट कर लिया, लेकिन हमारे को ना डिस्टेंस ना पूछ के स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड निकालने बस एक बार ना इसको ना डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या लिख दिया dx अपॉन dt इक्वल टू, तो एक बार ना डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2b अपॉन 4, और t स्क्वायर dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं स्पीड v इक्वल टू, तो ये क्या है यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का वैल्यू दिया हुआ है tau, तो इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन टी, और ये क्या होगा टाउ का अपने को टाउ ऐसा आ गया है ना, तो बी स्क्वायर टी अपॉन टाउ ऐसा, तो ये क्या होगा जो आंसर आ गया, ये क्या हो गया ये आंसर आ गया है ना, तो ये आंसर क्या हो गया ये 2 अपने लोग का क्या हुआ करेक्ट आंसर यहाँ पर चला आया। ठीक है, तो इसे ना अपने लोग को सेकेंड वाला जो आंसर है ये क्या है सही आंसर है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन क्या हुआ टाउ ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ना एक लास्ट क्वेश्चन में और चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से ना अपने लोगों को क्या हो रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इस बार आगे, और हम लोग ना यहाँ से निकलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या है पैसेंजर ट्रेन है ना, एक लेंथ क्या है 60 मीटर, तो एक ट्रेन है अपने को इसकी लंबाई दिया हुआ है ना, एक ट्रेन है ये क्या है 60 मीटर का ट्रेन है ना, ये ट्रेन है 60 मीटर, इसकी स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड क्या है वी बराबर यह 80 किलोमीटर पर आवर है ना, ऐसा अपने को अनदर फ्राइट ट्रेन मतलब क्या है गुड्स ट्रेन है ना, उसका लेंथ क्या है 120 है, तो एक दूसरी ट्रेन और यहाँ पर दे रहा है, और इसकी लेंथ कितना है 120 मीटर है ना, दूसरी ट्रेन लेंथ ऑफ क्या हो गया 120 मीटर है, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, तो ये जो हो जाएगा v बराबर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना ये चल रही है, स्पीड ऑफ 30 मीटर, टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉसिंग द फ्राइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में, ये दोनों यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या हुआ दूरी कितना हो जाएगा दोनों का जो टोटल डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू ये हो गया क्या 60 मीटर और प्लस 120 मीटर, तो ये कितना हो गया 180 मीटर की दूरी को चलना है। जब ना दोनों ट्रेन क्या होगा सेम डायरेक्शन में ना चलेगा तो उसका जो ना रिलेटिव स्पीड होगा तो अपने को जो होगा भी ऐसा बोलते हैं भी वन हो गया रिलेटिव स्पीड, तो दोनों सेम में चलेगा तो क्या माइनस कर जाता है दोनों का, तो ये क्या है 80 है 80 और माइनस क्या होगा 30, तो इक्वल टू कितना हो गया 50 अपने को किलोमीटर पर आवर ना किलोमीटर पर आवर है ना ऐसा। तो याद रखना होगा जब दोनों ना सेम ही ना डायरेक्शन में चलेगा तो इसकी स्पीड क्या है 30 है और इसकी स्पीड क्या है 80 है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन में तो क्या है माइनस कर जाता है ना, तो 80 माइनस 30 करेंगे तो क्या होगा 50 चलाया। उसके बाद ना सेकेंड में क्या है v2 हो जाएगा, जब अपोजिट में चलेगा तो दोनों जुड़ जाता है ना, दोनों क्या कर जाता है ऐड हम लोग कर लेते हैं, तो ऐड करने से क्या हुआ 80 और प्लस 30, तो कितना हो गया ये 110 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब क्या निकालना है, तो हम लोग क्या क्या निकालने पर डिस्टेंस कितना ये निकाल लिया, तो डिस्टेंस क्या है 180 मीटर है,
और उस वक्त V1 को अपने लोग निकाल लिए हैं, सेकेंड में क्या V2 को ना निकाल लिया है, अब बस रेशियो को निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन टू, दे आर मूविंग इन द सेम में, तो दिस सेम में ना ना जाएगा, तो डिस्टेंस क्या है 180 और डिवाइडेड में क्या होगा 50, सेम में जब जब जाएगा, और दूसरे में ना तो अपने को ना निकालना टाइम जो T1 लगेगा और डिवाइड बाई T2 इक्वल टू, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ये टाइम, अपोजिट में जब आएगा तो डिस्टेंस वही रहेगा और जो टाइम है वह क्या हो 110 हो जाएगा। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 110 डिवाइडेड क्या है 180, 180 कट कट गया और ये कट गया तो क्या हो गया अपने को 11/5 आ गया है ना। तो ये ना अपने को जो आंसर हो गया ये अपने को पहला आंसर क्या हुआ ये ऐसा हो गया है ना। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हम लोग यहीं पर ये करते हैं, अगले क्लास में और चालू करेंगे।